दोस्तों, आपने पनीर रेसिपीज तो बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी पनीर कलेजी खाई है? नहीं ना। आज मैं आपको ये अनोखी रेसिपी खिलाने लाया हूँ झांसी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चूल्हावाला में, जहाँ आज हम यहाँ पनीर की वेज कलेजी रेसिपी, जिसको मटकी पनीर कलेजी भी कहा जाता है, और इस रेसिपी की पूरी मेकिंग होती है विलेज स्टाइल कोयले के चूल्हे पर मिट्टी से बने मटकी में। तो आइए आज आपको इस पनीर की अनोखी मटकी पनीर कलेजी रेसिपी की पूरी मेकिंग दिखाते हैं और आज आपको खा करके भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर आ गया हूँ यूपी झांसी में, और झांसी में ये मेरी तीसरी विजिट है और मैं बार बार इसलिए भी आ जाता हूँ क्योंकि झांसी का जो जायका है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और आज मैं आया हूँ चूल्हे वाला रेस्टोरेंट में, जो कि झांसी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना बड़ा इसका एंट्रेंस है और अंदर इतना खूबसूरत है। इसकी जो बैठक है, चाहे खाना है, बहुत ही शानदार। और आज मैं यहाँ पर बहुत ही यूनिक रेसिपी के लिए आया हूँ जिसका नाम है मटकी पनीर कलेजी। जी हाँ, मटकी पनीर कलेजी। तो आपको भी पता होगा, नाम से पता चल रहा है कि कोई पनीर की डिश है, लेकिन कलेजी तो नॉन वेज स्टाइल में इसको बनाया जाएगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये चीज़ क्या है ज़्यादा समझते हैं, अंदर चलते हैं और शेफ से बात करते हैं। आइए। हेलो शेफ। हेलो हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू, फाइन थैंक यू। सो क्या है आज स्पेशल? आज हम बना रहे हैं, जैसे दिख रहा है कोयले में बनेगा आज मटके वाला पनीर। मतलब सेटअप तो पूरा, मतलब वो रजवाड़ो वाला सेटअप है। हाँ, कोयले वेले पे बनाने वाले हो क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, कोयले पे बनेगा आज। हंडी में बनाएंगे पनीर कलेजी। पनीर कलेजी, तो ये जो पनीर कलेजी है, हाँ, तो ये पनीर है या कलेजी है, है क्या? तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, हाँ, तो उनके लिए बेस्ट है, उनको लगेगा ये हाँ कलेजी टाइप है, फ्लेवर भी है पूरा और पीस भी ऐसे ही मिलेगा। फील तो नॉन वेज वाला दोगे और है वेज वो? हाँ, वेज पूरा वेज है, आपको फील आएगा कि कलेजी खा रहे हैं, नॉन वेज ही खा रहे हैं। वेज में कुछ अच्छी चीज, मतलब अलग चीज है। और वो चूल्हे वाला फ्लेवर है, थोड़ा कोयले का फ्लेवर है, चूल्हे वाला फ्लेवर। तो ये है ना, सब कुछ यहाँ बनेगा। तो दोस्तों देखो, ये देखो यहाँ पर इन्होंने सेटअप लगा रखा है और यहाँ पर चूल्हे पे इन्होंने देखो अंदर कोयले जला रखे हैं और यहाँ पर हांडी भी रखी हुई है और यहाँ पर देखो पूरा सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या क्या मसाले हैं, क्या क्या कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या है, तो वो हम जान लेते हैं शेफ से। तो शेफ आप एक बार बताइए कि क्या सीन है। हाँ देखिए, पहले तो ये हम कलेजी का जो बेस बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, ऑनियन और टमाटो और काजू मगज का, ये इन तीनों का मिक्सर ग्रेवी रहेगा। उसके बाद हम मटके में उसको प्रिपेयर करेंगे मसालों के साथ, ग्रेवी के साथ पनीर ऐड करके, फिर जाके उसका स्मोक देंगे। अच्छा, तब जाके लास्ट में सर्व होगा। तो सबसे पहले पनीर, जैसे पनीर की बात करें तो ये आपने पनीर रखा है, पनीर कट किया हुआ। और शेप या कलेजी का रंग आपने बोला था, वो कैसे देंगे इसको? हम लोग अभी चाय का पानी बनाएंगे, गर्म पानी, उसमें डिप कर देंगे तो ऑलमोस्ट एक घंटा दो घंटे में उसका कलर एकदम कलेजी वाला आ जाता है। अच्छा, क्या बात है। तो ये आपने चाय का पानी, चाय का पानी बन गया है हमारा। तो देखो ये चाय का पानी जो है सबसे पहले जा रहा है इसमें पनीर में। क्या इसको भिगा के रख देते हैं तो एक दो घंटे में इसका आराम से कलर आ जाएगा। तो हम ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पनीर पे कलेजी वाला कलर आ जाए। बिल्कुल, है ना। और फ्लेवर भी रहता है। अच्छा, फ्लेवर भी रहेगा उसका, एकदम कलर ही नहीं होता, तो उसका फ्लेवर भी अलग लगेगा आपको, जो नॉर्मल पनीर खाते हैं आप, हाँ, उससे अलग लगेगा। अच्छा, तो डिफरेंट टेस्ट आएगा ये तो। बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसके बाद क्या प्रोसेस करने वाले हैं? इसके बाद हम पहले ग्रेवी बना लेते हैं, पहले इसका बेस बना लेते हैं। बेस के लिए आपने लिया है मगज लिया है ना, ऑनियन, ये प्याज है, टमाटर, ये काजू मगज है, ये धनिया की रूट है, जड़े हैं, चिल्ली है दोनों, लाल और हरी वाली, और जिंजर गार्लिक, ये सारी चीजें इससे बेस बनेगा, इससे ग्रेवी बना लेंगे हम पहले। हाँ तो शेफ, तो कोयले पे बनेगी पूरी चीज? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पहले हम ये हांडी ले लेते हैं, मिट्टी की हांडी है ये। अच्छा, मिट्टी की हांडी में बनेगा, कढ़ाई समझ लो। ओके, तो इसमें बनाने का फायदा है, स्मोक रहेगा, कोयले का स्मोक रहेगा जी, हांडी में जो मिट्टी का जो हांडी रहता है उसका फ्लेवर रहता है, तो इसका स्वाद अलग ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग रहता है, सही बोला। तो इसमें ही बनाएंगे हम ग्रेवी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेस बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, है ना। तो इसमें पहले हम डालेंगे तेल थोड़ा सा, तो ये डाल दिया जी, दो टेबल स्पून। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। ओके, तो ये डाल दिया जी प्याज। तो ये देखो दोस्तों, पहले तो ये प्याज डाल दिया इसमें और थोड़ा मिक्स कर रहे हैं अभी। पहले प्याज हल्का सा भून लेते हैं, ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं, ग्रेवी बन रही है। बट ये है कि जब अपन मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है ना, गैस से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खाना बनाने में जितना ज्यादा टाइम लगे उतना ही अच्छा बनता है, इसमें बहुत टाइम लेता है। जो डार्क ब्राउन करेंगे कि इतना ही? नहीं नहीं, ये ज्यादा नहीं करना। अच्छा, हल्का सा स्मोक फ्लेवर देना, हल्का सा। अच्छा, ये ज्यादा नहीं करना। ओके, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे कटे हुए टमाटर, ये कटे हुए टमाटर चले गए, इसमें हम सारे ऐड कर देंगे, इनको ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, सबको मतलब थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, है ना।
ये धनिया है, तो ये सब को एक साथ डालना है क्या? हाँ, ये सब एक साथ छोड़ेंगे। ओके, ये ग्रेवी में एक साथ ही रहता है। ग्रीन चिल्ली है, एक पीस डाल देंगे ग्रीन चिल्ली, एक लाल। अच्छा, हो गया, एक ग्रीन और एक लाल चिल्ली आपने डाल दी। अब ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन है, इसको पहले डालते बहुत लोग, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, ऊपर से डाल सकते। ओके, थोड़ा सा अदरक है। अच्छा, इसको कूट के भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे? ये पीसना है वैसे भी, एक बात है, कूट के डाल सकते हो और वैसे अखा डाल दो तो बाद में पीसी जाएगा। पीसी जाएगा, ओके। पाँच छह गली ये अदरक वो डाल दिया गार्लिक। क्या बात है। तो दोस्तों देखो, सारे जो है ना ये खड़े मसाले डाल दिए, एक तरीके से देखा जाए तो खड़ी मिर्ची डाल दी और जो अदरक लहसुन था वो भी खड़ा। हाँ। और ये देखो प्याज हो ही गए थे और उसके बाद में टमाटर डाल दिया था। अभी क्या डालेंगे? मगज और काजू मिक्स है। ये मगज और काजू 70 का रेशो है काजू मगज का। ठीक है, देखो ये बर्तन है, इसमें बन रहा है बढ़िया कोयलों के ऊपर, बिल्कुल देसी स्टाइल से। ये रेसिपी किसके दिमाग में आई, मतलब ये कि पनीर की कलेजी बनानी चाहिए, फिर उसकी ये डिश बनानी चाहिए? ये कलेजी जब चूल्हे वाले ने ये मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट लिया, कोयले वाला कॉन्सेप्ट लिया जी, तब आया कि चलो नॉन वेज तो इसमें सर्व करने का आइडिया था कि नॉन वेज करेंगे, चिकन करेंगे, मटन करेंगे जी, तो फिर वेज वालों के लिए पनीर क्या होगा? तो पनीर का फिर थोड़ा अलग सा आइडिया है कि जो गैस पे बनते वाले पनीर ना हो के कुछ अलग हट के हो। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये बेटर रहेगा। क्या तो उसका फ्लेवर अच्छा है, अच्छा गैस पसंद करता है। बढ़िया, बहुत ही सही है, बहुत ही सही। जैसे कि आपने देखा था दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो किया था ना कि पनीर को चाय के पानी में डाल दिया है ना, ताकि वो कलेजी वाला कलर ले ले। तो ये जो इनोवेटिव आइडिया था वो खैर इनका था या ऑनर का था, बट बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। और थोड़ा सा वैसा टेस्ट भी ये बता रहे, बाकी तो हम खा करके देखेंगे। बाकी देखो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस हो ही रही है। तो अभी ये होने के बाद शेफ क्या करेंगे अपन? ये ऑलमोस्ट बन चुका है, इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी हमारे पास गर्म है, यहीं पे एसी में गर्म किया हुआ। एसी में आ रहे, वाह, मटकी में ही गर्म किया हुआ। इसको पकने के लिए डालना है कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे इसको। अच्छा, क्योंकि ये इसमें पक रहा है, ऑफकोर्स टाइम लग जाएगा ना। तो इसको ढक देंगे कि ऐसे ही रखेंगे? इसको ढकना पड़ेगा, ढक के क्या होता है कि जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। देखो कोयले पे बन रहा है, उसके बाद भी आप देख सकते हो उबाल बहुत ही सही आ रहा है और सारी चीजें इसमें डली गई हैं। और बाकी जैसे ही इसमें थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस देंगे, है ना? पीस देंगे, उसके बाद पनीर का जो ग्रेवी का पनीर मिक्स करने का जो प्रोसीजर है उसके बाद दिखाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो शेफ ये होता है जब तक, है ना, अब इसको ढक दिया है तो एक बात बताइए, लोग पसंद कर रहे हैं इस डिश को? देखो लोगों का तो क्या है, होटल में जब लोग आते हैं तो चाहते हैं कुछ नया मिले। हाँ। अलग मिले। हम लोग चाहते हैं जो गेस्ट आए उसको बताए ये चीज आती है, हमने नया ये किया है, इन्वेंट किया है, वहाँ पे बन रहा है पनीर, अलग सा फ्लेवर है। तो जिन जिन लोगों को खिलाया ऑलमोस्ट, तो ज्यादा लोग तो दूसरे दिन जब कभी भी आते हैं, और ज्यादा कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिपीट आते हैं, हफ्ते में एक दो बार राउंड मारते थे, वो लोग तो डेफिनेटली दोबारा लेते हैं, खाते हैं। अच्छा, और उसी हिसाब से हम लोग बना के रख लेते हैं, 10-15 अंडिया बना ली, तो जैसे जैसे निकलता है उसके बाद और पीछे से बैकअप का रखते जाते हैं, तो निकलता है, बढ़िया निकलता है, तो बढ़िया पसंद कर लेते हो। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शेफ अभी कितना टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो 20 मिनट्स हो गए है ना, ये अभी तक किसी में दम ले रहा है। हाँ, 20-25 मिनट, ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए है ना, हो गया ये, तो इसको ग्राइंड करने डालेंगे। क्या बात है। देखो दोस्तों ये जो है अभी हो गया है मामला, और अभी ये निकाल लोगे आप और इसका पेस्ट बनाएंगे? अब पेस्ट बनाएंगे, इसका ग्रेवी बनाएंगे एक तरह का। तो ये इसमें देखो जार में ले लिया है इन्होंने, ये वाला यहाँ से निकाल के प्रॉपर इस तरह से, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारा सब कुछ आ गया है इसमें, है ना शेफ? हाँ जी। तो अभी इसका पेस्ट बना लेंगे अपन, है ना, इसका प्यूरी टाइप बना देंगे। और इसके बाद का क्या प्रोसीजर? इसके बाद का ये एक ये है, तो इस पे इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो दोस्तों इसको तो अभी ये पीसने जा रहा है, बाकी ये दूसरा बर्तन आ गया, इसमें अब होगी आगे की तैयारी। ये पूरे मसाले देखो यहाँ रखे हुए हैं, अब होगा मेन मसाला तैयार। दोस्तों देखो ये पिस करके आ गया है, ठीक है, ठीक है, हमारी ग्रेवी है ना, बहुत बढ़िया। क्या बात है, देखो बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी एकदम, बहुत ही शानदार। तो अब शेफ एक चीज मैंने ये भी देखी कि आप एक पानी भी डाल करके रखते हो ना एक मटकी में। हाँ, जब अगर पानी की जरूरत है किसी चीज में, थोड़ा सा पानी ऐड करना हो तो ठंडा पानी ना डाल के, तो उसमें हीट रहता है, गर्म पानी ही डालते हो जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप ना हो, है ना, उससे टाइम भी कम हो जाता है और फ्लेवर भी मेंटेन रहता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी ये सारा सब कुछ लग गया है यहाँ पे, है ना। हाँ। तो अभी क्या करेंगे अपन नेक्स्ट? अभी पहले हम डालेंगे, ये है देसी घी, ये ऑयल नहीं है। अच्छा, ऑयल नहीं है, घी, प्योर घी है, तो घी में ही बनता है ये वाला। यहाँ पे जो भी हम लोग बनाते हैं जी, पूरा देसी घी में, देसी घी में बनता है जो भी अंडियों पे प्रिपरेशन है, घी की वो कोई भी प्रिपरेशन हो सकती है, चाहे वेज चाहे नॉन वेज। बहुत घी डाल दिया हमने पहले। ओके, तो ये घी अच्छा खासा गरम है ये। तो इसमें गरम मसाले हैं, देख सकते हैं आप, तेज पत्ता और वो बाकी सारे जो गरम मसाले होते हैं ना, स्टार फूल वगैरह और ब्लैक। ओके,
तो ये डाल दिया दोस्तों। देखो इसमें गरम मसाले मैंने का फ्लेवर आना चाहिए, नॉन वेज का फ्लेवर तभी मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो तो ये भून लेते हैं इसको। हाँ, मिट्टी की है लेकिन यहाँ पे क्या तपत इतनी है ना कि बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा हीट है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको। और झांसी में अभी सितंबर चल रहा है लेकिन सितंबर में भी बहुत जबरदस्त धूप आ रही है। ये मिर्ची डाल देंगे, दो लाल मिर्च डाल देंगे, स्पाइसी रह गया थोड़ा। ओके, दो लाल मिर्च और एक हरी मिर्च से कटी हुई। अच्छा, एक हरी मिर्च दो भागों में कटी हुई डाल दी है ना। ये हो गया ऑलमोस्ट। ये देखो तो आवाज आ रही है, तड़क गए मसाले पूरे। सबसे पहले जाएगा प्याज, अब सबसे पहले प्याज ब्राउन होने तक पकेगा, उसके बाद बाकी का। हीट बढ़िया है, पक रहा है अच्छी तरह, मतलब मिट्टी का है लेकिन बहुत सही पक रहा है ना। और नीचे देखो तपत, देखो आप कोयले देखो किस तरह से मोटे मोटे कोयले जल रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से ये देखो पक रहा है, बबल्स आ रहे हैं बहुत ही शानदार। तो अभी अपन इस वाले प्याज को तो ब्राउन करेंगे ना। बिल्कुल, ये तो पूरा ब्राउन होगा, पूरा ब्राउन होगा। ये तो काला फ्लेवर देना है इसको, ब्राउन फ्लेवर। क्या बात है, थोड़ी देर भून लेते हैं उसके बाद डालेंगे फिर टमाटर वगैरह। जल रहा है, क्या बात है दोस्तों। देखो ये हो गया तैयार, ये हो गया डार्क। हाँ, बहुत बढ़िया ब्राउन हो गया, बढ़िया सा। हाँ, अभी ब्राउन, अभी आएगा टमाटर, अभी आ जाएगा इसमें टमाटर। देखो ये जल गया टमाटर, बहुत बढ़िया गरम यार, इतना कोयले में इतना सही गरम हो गया ये। हाँ, बढ़िया हीट आ रहा है कोयले का। तो शेफ एक बात बताओ आप कि ये जो पनीर है ना जिसको आपने सोक करके रखा है, एक बार मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो है इसमें सोक किया हुआ है और कलर भी ले लिया है। देखो इसने बिल्कुल जैसे कलेजी का कलर होता है ना, आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही कलर ले लिया है इसने। तो इसमें सिर्फ ये चाय पत्ती डाली थी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, पानी और चाय पत्ती। जैसे हम चाय बनाते हैं सेम पानी डाला, चाय पत्ती डाली, गर्म पानी। अच्छा, तो देखो इन्होंने ये चाय पत्ती भी रखी हुई थी दिखाने के लिए है ना, बट इन्होंने पानी पहले से बना रखा था इसलिए इन्होंने पानी में डाल दिया था। कलर बिल्कुल ले लिया है इसने अभी, बढ़िया कलर। और ये सिर्फ कलर ही ले रहा है या कोई टेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? टेस्ट आएगा अपने चाय पत्ती का, जो जैसा टेस्ट रहता है। कलेजी आपने कच्ची कलेजी खाई हो, बकरे का कलेजी खाया हो, हाँ, तो लगेगा आपको कुछ अलग है ये पनीर। बिल्कुल, थोड़ा मतलब कसारापन टाइप। हाँ हाँ, वैसा है ना, जैसा कलेजी फ्लेवर देता है उस टाइप कलेजी फ्लेवर। क्या बात है। और बाकी टमाटर हो गया, उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स है। अच्छा, दो चम्मच डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये इन्होंने बना रखा था बिल्कुल, वो डाल दिया ना। मतलब जो इसकी प्रिपरेशन है अगर देखा जाए ना पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, तो वही नॉनवेज वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जो मसाले खड़े मसाले नॉनवेज में डलते हैं वैसा। एक सही तरह का नॉनवेज ही बना रहे हैं हम। हाँ, वेज में वेज में। क्या बात है, मतलब वो उनकी शिकायत खत्म हो जाएगी जो नॉनवेज वालों के साथ में ग्रुप में एक वेज वेजिटेरियन होता है ना, तो उसके लिए बढ़िया है। उसके लिए बढ़िया चीज़, पांच लोग बैठे एक लोग वेज खाने वाला, तो बिल्कुल सेम फ्लेवर ले सकते हैं। बिल्कुल। वैसे ये आइटम जो हैं ये चूल्हे वाले थोड़े सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते होंगे लोग, है ना। हाँ, ठंडियों में अच्छे हैं, पर काम करने के लिए भी अच्छे हैं। सही बात है, अभी तो इतनी गर्मी लग रही है, खाने के लिए भी अच्छे हैं, बढ़िया। इसमें क्या है, गर्म भी रहता है, अगर आप टेबल पर ले के जा रहे हो तो आप बिल्कुल 20 मिनट भी खाने पर टाइम ले रहे हो तो आपको गर्म मिलेगा। क्या बात है यार, देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, कैसे बबल्स आ रहे हैं घी के इसमें, और पूरी जो मेकिंग है ना ये वाली जो मसाला भी बन रहा है ये पूरा घी में हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले धनिया पाउडर इसमें देखो डाला जा रहा है, दो टीस्पून डाल देते हैं धनिया, दो टीस्पून तो धनिया डाल दिया सबसे पहले। देखो इसमें नेक्स्ट किचन किंग है, ये डल रहा है किचन किंग मसाला, एक चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। ये गरम मसाला, गरम मसाला, ये गरम मसाला एक, ये आगे तीखी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च है ना, लाल मिर्च बढ़िया जाएगी क्वान्टिटी में। ओके, दो डाल देते हैं, स्पाइसी रहेगा ये, बढ़िया चटपटा। नमक एक चम्मच डाल देते हैं। तो ये जी नमक भी डाल दिया, लगभग सारे मसाले आपने इसमें डाल दिए अभी है ना। कसूरी मेथी रहेगी थोड़ा सा, इसको डाल देते हैं कसूरी मेथी, इसको थोड़ा भून लेंगे। ये देखो जी ये सारे मसाले अब भुने जाएंगे इसको, बढ़िया भूनना है, भूनना मतलब पूरा ब्राउन भूनना है, काला कलर देना, काला कलर देना, डार्क एकदम। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हल्का सा हम इसको। तो देखो पानी में भी जो है ना उबाल आ गया है, देखो अभी उबलता हुआ पानी इसमें डालेंगे। ये देखो क्या बात है, मतलब मसाला देख के दिल खुश हो गया मेरा तो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे शेफ ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो नॉनवेज वाले आते हैं कि वेज वाले आते हैं चूल्हा वाला में? चूल्हे वाले में ज़्यादातर लोग वेज में आते हैं, वो भी पनीर में आते हैं। अच्छा, पनीर बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने ये जो कंपैरेटिवली मतलब वेज ज़्यादा चलता है और उसमें भी पनीर ज़्यादा चलता है, पनीर बहुत है। अगर आप वेज वाले भी आ रहे हैं तो 70% पनीर वाले हैं, तो इसलिए जब हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था तो इसमें पनीर का एक ऑप्शन डाला था कि हाँ पनीर तो बिकना, जो एक्सपेरिमेंट किया वो पनीर के साथ ही किया क्योंकि पब्लिक वही मांग रही है, पनीर का ज़्यादा क्रेज है, तो पनीर इसलिए हमने ये वाला चालू कर रखा है। ओके, ये थोड़ा और पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो भून लेते हैं बढ़िया से 5 मिनट, तो अभी 5 मिनट इसको भुनाई में लगेंगे है ना। हो गया, अब ग्रेवी डालनी, तो ये हो गई ग्रेवी।
ये देखो ग्रेवी देखो आप, ये देखो आप देख के बताओ क्या बात है। मसाले वसले सब भूनिए एकदम शानदार, बढ़िया से कलर भी आ रहा है। कलर देखो यार दोस्तों कितना शानदार आ गया है ग्रेवी का, बिल्कुल डार्क जैसा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। अब ग्रेवी ऐड करते हैं। अच्छा तो ये वाली ग्रेवी ऐड करेंगे? बिल्कुल, जो हमने अभी बनाई थी वाली ग्रेवी है। ओके ये ग्रेवी ऐड करेंगे। तो ये ग्रेवी देखो दोस्तों ये ऐड हो रही है ग्रेवी, अब इसमें फाइनल ये फाइनल टच है इसका, है ना? ये फाइनल है, उसके बाद इसको पकाया जाएगा। क्या बात है, ये देखो शानदार, ये होगी ऐड ग्रेवी, ग्रेवी ऐड हो गई कम्प्लीट। अब इसको पकाना है जम के। ये देखो दोस्तों यार ये ले लेगा, अब ये अपना क्रीमी टेक्सचर ले लेगा, है ना? पकने देते हैं। बाकी दोस्तों यार आप ये देखो, ये जो ये है ना, ये पूरा जो माहौल है बिल्कुल मटकियां पड़ी हुई हैं इधर सब जगह, चूल्हे की मेकिंग हो रही है बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में, देसी बिल्कुल। तो अभी शेफ कितनी देर इस ग्रेवी को अपन पकाएंगे और वो डालेंगे? पकाना है बढ़िया पकाना, मतलब 10 मिनट तो पकानी पड़ेगी, 10 मिनट ग्रेवी पकानी पड़ेगी, उसके बाद हम पनीर ऐड कर लेंगे, है ना? उसके बाद पनीर ऐड करना, मतलब पहले ऐड कर दें तो वो गल जाएगा, कलेजी नहीं बनेगा कीमा बन जाएगा। सही बात है, तो पनीर लास्ट में ऐड करेंगे। ओके हाँ, तो शेफ देखिए अब फिर 15 मिनट हो गए यार। हाँ अभी देखो क्या बात है, लगेगा ये पक रही है, पक रंगत रही है। देखो यार दोस्तों पक रही हो, छीटे आ रहे हैं बहुत सारे, कलेजी वाला कलर आएगा उससे आएगा। अभी डालेंगे हम सोया सॉस। अच्छा सोया सॉस डालेंगे अब, इससे आएगी रंगत जो आती है कलेजी वाली। क्या बात, देखो आप तो दोस्तों देखो ये थोड़ी सी सोया सॉस इसमें डाल रहे हैं, 2 चम्मच डालते हैं फिलहाल। ओके जरूरत पड़ी तो और ऐड करेंगे। वैसे रंगत तो इसमें भी आ गई है सर। हाँ जो फ्लेवर है जो इसमें आ गई है रंगत ऑलरेडी। हाँ जो ये देखो ऐसे ऐसे ही आप ग्रेवी का आ जाएगा कलर। ये देखो दोस्तों लग रहा है ना पनीर बिल्कुल कलेजी की तरह, इसको मैं हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये देखो यार सॉफ्टनेस भी देखो पनीर की बिल्कुल बढ़िया, और कलर भी आ गया है, और हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है अब यहाँ पे। ठीक है तो ये डाल दिया इन्होंने, अभी 3 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस के डाले हैं ना? ऑलमोस्ट 3 चम्मच सोया सॉस पड़े। ओके हो गया, रेडी हो गया वो। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। अच्छा पनीर ऐड कर देंगे। अब पनीर हम कम से कम 8 पीस डालते हैं, ये होगा 180-200 ग्राम, तो हम एक हांडी में देते हैं पनीर। अच्छा तो ये फिक्स है कि एक हांडी में आप इतना देते हो ना? साइज 8 पीस पनीर के, साइज देखो 8 पीस देते हैं हम। बिल्कुल पनीर के साइज में बहुत अच्छे हैं, और वो स्टेयर किए जा रहे, देखो बिल्कुल हिलाते हुए डाल रहे हो ना आप। इसके अंदर तक जूस पीना चाहिए उसका। ये देखो यार ये है मामला झांसी का चूल्हे वाले का शानदार, बड़ा मानना पड़ेगा इस चूल्हे की हीट को, मानना पड़ेगा यार क्या शानदार हीट आ रही है आज। अभी हम हरा धनिया, ये हरा धनिया भी थोड़ा हरा धनिया ऐड कर, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो फील है ना, ये देखो इस तरीके से है अंदर बन रहा है यहाँ पर पूरा मामला, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ की बैठक कैसी है ये देखो। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है, हमारी डिश जो है बन करके अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, रेडी ऑलमोस्ट क्या रेडी ही हो चुकी है, और ये देखो क्रीम हम इसमें जा रहे हैं ना। तो अभी क्या करने वाले हैं अपन इसमें? अभी हम लगाएंगे इसमें दम, लगाएंगे स्मोक करेंगे इसको घी के साथ, कोयले के साथ। अब देखिए कोयले के साथ स्मोक करोगे। अच्छा तो ये भी एक और इसका रेसिपी का पार्ट है। ये कटोरी जैसा बना लिया हमने सिल्वर फॉइल का बीच में। ओके तो दोस्तों देखो इसके अंदर डाल दिया, अब इस पे आएगा गरम एक कोयला बढ़िया लाल। अच्छा ठीक है, तो ये देखो बढ़िया लाल कोयला इन्होंने यहाँ रख दिया है, ये कोयला है, कोयला डाल दिया इसके अंदर, यही है असली मजा इधर। अब लगेगा इस पे लॉन्ग है ठीक है, ये डाल दिया जी लॉन्ग इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। ये घी है देसी घी का तड़का जाएगा। अच्छा। तड़का मतलब स्मोक जो भी है। ये देखो तो ये लग गया, ये डल गया घी, और ये ढक दिया बिल्कुल। हाँ ये कवर कर देंगे बढ़िया से। तो अब ये लग जाएगा इस पे बिल्कुल एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, सब कुछ होता है राइट जी। बहुत बढ़िया, मतलब ना कोई भी चीज नहीं छोड़ी आपने नॉनवेज वाली, वेज के लिए। मतलब बिल्कुल फील आने वाला है आज बिल्कुल कलेजी वाला पनीर में। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। तो देखो दोस्तों ये है, अब इसको कितनी देर रखेंगे ऐसे? बस 1-2 मिनट रखेंगे, 1-2 मिनट में आ जाएगा फ्लेवर, है ना? तो ये लगभग रेडी हो चुका है शेफ? लगभग रेडी है। ओके तो अब हम हमारी प्लेटिंग करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो शेफ आप इसको सर्व कैसे करते हो लोगों को, किस में करते हो? सर्व हम हांडी में करते हैं। अच्छा इसी हांडी में ही सर्व होता है? गरम हॉट है, गरम हो रहा था आज लिया मेरा। उठा लिया आपने तो जोश जोश में। तो ये वाली हंडी है पोर्शन। ओके। है ये पूरा ये। ओके तो इसमें सर्व करते हैं। तो इसमें क्या क्वांटिटी आ जाती है शेफ? इसमें आ जाती है आपकी 300-350 ग्राम के आसपास, 300-350 ग्राम, है ना? ओके तो ये हो गया शेफ, ये हो गया। तो दोस्तों देखो ये अब उठा रहे हैं, ये देखो यार ये है माहौल पूरा जो था ना इसका स्मोक बिल्कुल, ये इसको धुंगार बोला जाता है हमारे राजस्थान में, ये धुंगार लगा दिया आपने इसमें, मतलब इसने अपना काम कर दिया, बाकी देखो दोस्तों रोगन देखो किस तरह से ऊपर आ चुका है बहुत ही, और ये ग्रेवी देखो यार क्या बात है, बढ़िया गाढ़ा ग्रेवी है, क्या खुशबू आ रही है यार दोस्तों सीरियसली जोरदार। ये देखो आप रेडी है ये, तो ये हो चुका है रेडी। ये देखो एक पनीर का उठा के दिखाना शेफ, ये देखो यार
हैं देसी कलेजी। ये देखो शानदार है, शानदार लग रहा है ना कलेजी? लग रहा है बिल्कुल। तो अब करें इसको सर्व। सर बिल्कुल, इसको हांडी में सर्व करते हैं। चलो इसको हांडी में सर्व करवाते हैं। तो दोस्तों देखो ये अब इन्होंने चूल्हे से उतार लिए, उसके बावजूद देखो कैसे खोल रही है ये। तो अब अपन इसका सर्व करेंगे इसको, राइट? बिल्कुल। चलो ये हांडी का कमाल है जो खोलना होता है। आप अगर टेबल पे बैठ रहे हो 25 मिनट तक भी अगर नहीं छू रहे, उसको नहीं खा रहे हो, अगर कुछ वेट कर रहे हो, बर्थडे केक काट रहे हो वगैरह, एनिवर्सरी बना रहे हो, तो आपको ये वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। तो वैसे तो शेफ आप इसको इसमें देते हो, है ना जी? बट मैं चाहता हूँ कि आप इसी हांडी को एक बार के लिए सर्व करवा दो, मैं इसी में से लेना चाहता हूँ। ओके, इसी में सर्व करवा देंगे आप। तो दोस्तों देखो फाइनली ये आ चुका है जो आज हमने बनवाया है ना, ये है मटका पनीर कलेजी जो आज हमने यहाँ पर बनवाया है। बाकी आपने इसकी पूरी प्रोसेस देखी थी कि किस तरह से ये बना था, है ना। सो वंस अगेन वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर हूँ झांसी में, जो आज बिल्कुल अलग रेसिपी जो वेज में है। कुछ लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि वेज में कुछ यूनिक दिखाओ, अलग दिखाओ, तो यूनिक और अलग आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए झांसी से। और आज हमने बनवाई है बहुत ही रेयर रेसिपी, मेरे ख्याल से आपने कहीं सुनी नहीं होगी, और वो है की पनीर कलेजी। ठीक है, अपने मेरे ख्याल से जिस अगर किसी ने सुना हो तो कमेंट करना, बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नई रेसिपी है। और बिल्कुल इसकी जो प्रोसेस है मटकी में बिल्कुल देसी तरीके से कोयलों के ऊपर होती है, और ये जो जगह है यह है चूल्हे वाला, जो कि झांसी का बहुत बड़ा और बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है। आज की जो रेसिपी है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो पूरी जो मटकी है ना पूरी की पूरी सर्व हो गई है यहाँ पर। और ये देखो जो फॉइल से है इन्होंने बिल्कुल जो है, ये देखो यार, ये देख रहे हो रंगत इसकी है ना, शानदार। तो ये है मामला आज चूल्हा वाला का। और ये वाली जो चीज है ना आज आपको खा करके बताएंगे, बहुत ही टेम्पटिंग यार, मतलब मुंह में पानी आने वाली चीज है ये। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल ऊपर से जो है क्रीम डाल के दिया, और रोगन आप देख सकते हो ऊपर से किस तरह से आ गया, देखो साइड में है ना। और आपने देखा था कि किस तरह से पनीर को बिल्कुल जो चाय का पानी होता है ना उसमें डाल के, ये कलर देखो इसका लग रहा है कलेजी के जैसा। ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कलेजी ही बनी है। और ये उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन है लेकिन एक नॉन वेज ग्रुप में होते हैं और हमेशा वेज की डिमांड करते हैं ना, होते हैं हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल वेज खा सकते हैं नॉन वेज की ग्रेवी में, या फिर नॉन वेज का फील लेके, या वो अपना खुद का फील भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है ना बहुत ही अलग थी। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ना अपनी प्लेट में अलग से निकाल लेता हूँ पहले। ये देखो पीसेस देखो यार आप, ठीक है ये पनीर पीसेस है, और इसको अपन इस पे डालते हैं और रोगन वाला पार्ट भी ले लेते हैं। अरे मजा, ये देखो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखो यार आप, ग्रेवी की शानदार है यार, शानदार। मतलब जो इसकी मेकिंग थी ना, मेकिंग ने हालांकि दिल खुश कर दिया क्योंकि पूरी चूल्हे पे, और ये वाली जो मेकिंग है ना ये कोई रेस्टोरेंट, बहुत कम रेस्टोरेंट्स होते हैं जो इस तरह से ट्रेडिशनल वे में बनाते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, खा करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बिना रोटी के खाऊंगा इसको, ठीक है। तो आप देखो ये पहले पनीर को अपन तोड़ते हैं ऐसे, और ये देखो अंदर से तो ये पनीर है लेकिन बाहर से इसकी रंगत देखो है ना अलग। अब इसको देखो अपन ये लेते हैं, ये देखो सी दिस इज माई बाइट, और पहले इसको ऐसे ही खा करके देखते हैं और इसका जायका कैसा है वो आपको बताते हैं। पहला जैसे ही निवाला लिया ना, तो जैसे आपके मुंह में रहेगा ना पहले ये, तब तक तो ठीक है, जैसे ही गले से उतरेगा ना वो तीखापन आपको, जो इसमें सारे खड़े मसाले डले थे ना, ये पानी ने एक्चुअली किया क्या, कलर तो दिया ही इसको एक अलग सा, मतलब वो पनीर वाला टेस्ट तो हटा ही दिया है, और एक कसारापन आपको आएगा, और वो जो इस ग्रेवी के साथ में आपको ऐसा ही लगेगा कि यार कुछ अलग चीज खा रहे हो आप, पनीर नहीं खा रहे हो ऐसा लगे। बहुत बढ़िया, आप देखो यहाँ पे तवा रोटी आ गई है हमारी, तो एक तवा रोटी लेते हैं। और ये वाली जो चीज है ना ये बनी भी चूल्हे पे है, और इसको खाने का जो फील है ना, वो खाने का फील तो तभी है जब आप इसको चूर के खाओ। बाकी सबसे पहले देखो एक बार एक जेंटल निवाला ले लेते हैं, ये पनीर है, पनीर को लिया, ठीक है, और ये थोड़ी सी ग्रेवी और ले लेते हैं, ये डालते हैं इसके ऊपर है ना, और ये डालते हैं इसके ऊपर देखो प्याज, ये सिरके वाला प्याज है। अब ये निवाला है मेरा, एक बार इसको खाते हैं। जबरदस्त टेस्ट है यार, जबरदस्त। देखो इसकी ग्रेवी में बताऊँ कैसी सी है, देखो जब अपन चिकन बनाते हैं ना तब पूरे खड़े मसाले डाल के प्याज ज्यादा डाल के जो ग्रेवी बनती है वैसी सी इसकी ग्रेवी है। अब जब तक मैं इस पनीर के पीस को तोड़ूंगा नहीं ना, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या चीज है। यहाँ तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये चाप होगा, या कुछ लोग बोलेंगे कि ये सच में कलेजी होगी। सॉफ्टनेस में आपको दिखा देता हूँ पनीर की, देखो देख रहे हो ये क्या सॉफ्टनेस है, लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे ना तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि पनीर ही है। सी पर क्या चूल्हे पे पका है ना ये, बिल्कुल धीमे से, बिल्कुल जो आँच होती है बिल्कुल धीमे धीमे से जो टाइम लेके पकता है, तो ये पनीर अंदर तक गर्म हो चुका है। ये देखो अब मैं ना अब इसको चूरता हूँ, मैं तो अपने स्टाइल से जो अपना बुंदेली और राजस्थानी स्टाइल में जैसे खाते हैं ना लोग, बिल्कुल निवाला बना के। ये देखो दिल खुश कर देने वाली चीज है यार ये, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो अब मैं ना एक और रोटी ले रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले तो ये रोटी रख देते हैं अपन यहाँ पर, और अब ना ये जो पनीर है ना ये देखो उसको उठाते हैं ऐसे, इसके ऊपर रखते हैं अपन देखो। लेकिन ये चीज मैं बता दूं, ये जो रेसिपी है ना ये है जब आपको सर्व होती है ना ये मटकी में, गरम गरम आप लो और गरम गरम ही इसको
बिल्कुल चूर के खाना चाहो चूर के खा लो, निवाला बना के खाना चाहो निवाला बना के खा लो, लेकिन खाओ गरम इसको, ठीक है। मैं थोड़ी सी और ग्रेवी इसमें से ले लेता हूँ, ये देखो आप, ये रोगन वाली जो है इधर से, ये देखो, ठीक है। और ये इसके ऊपर डाल देता हूँ लाइक दिस। कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे होंगे, आ रहेगा मुँह में पानी कॉमेंट कर दो अगर मुँह में पानी आ रहा है तो। अब देखो ये लिया इसमें और ये पनीर को चूरा इसमें, चूल्हा वाला बहुत सही जगह है, बहुत सही। अगर आप सच में वो देसी वाली चीजों के प्रेमी हो ना, कि देसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, चटपटा स्वाद और तीखापन, ये बेस्ट जगह है उसके लिए, बहुत बढ़िया है, अनोखी चीज है। देखो आपने बटर पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार, पनीर टिक्का मसाला, पता नहीं क्या क्या चीजें खाई होंगी, लेकिन मटकी वाला पनीर कलेजी नहीं खाया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और टेस्ट बिल्कुल नया है, बहुत बहुत बढ़िया है, सीरियसली। तो दोस्तों देखो ये मैंने एक हांडी भी मंगवा ली है, ये हांडी है जिसमें आपको सर्व होता है, ठीक है। इसमें 8 पीस तो आ जाते हैं पनीर के, और उसके अलावा बहुत ही सही ग्रेवी आ जाती है, 2 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। 300-350 ग्राम के आसपास में इसमें क्वांटिटी आती है। तो इस तरीके से देखो बिल्कुल मिट्टी की हांडी में सर्व होता है और मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। मैंने बर्तन रखवा लिया था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि किस तरह से रोगन ऊपर आता है, किस तरह से पूरा जो रिच ग्रेवी में बनता है, ये उसके बाद में क्रीम व्रीम डाल के सर्व होता है, बहुत ही बढ़िया। 5-स्टार प्रॉपर्टी में एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जैसे चीज परोसी जाती है और जो टेस्ट मिलता है ना, वो बिल्कुल बकायदा वैसा मिलेगा आपको, टेस्ट एक नंबर है, बहुत बढ़िया। बाकी देखो ये जो चूल्हे वाला है ना, झांसी का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में से है। ये दतिया वाली मेन रोड पर ही है, बाकी जो इसकी लोकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। उसके अलावा जब आप चूल्हे वाला आते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी प्रॉपर्टी दिखती है, फिर आप अंदर आते हो, फिर जब आप इस पैसेज से चल करके आते हो तो आपको एक पूल साइड एरिया दिखेगा, वहां पर भी गजीमोस बने हुए हैं जहां पर लोग बैठते हैं और अलग से अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ में इंडिविजुअल गजीमो में बैठ के अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखो गार्डन एरिया में बैठना चाहते हो, बिल्कुल बहुत ही सही सिटिंग ये भी है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, तो कई बार अगर कभी मैच होता है यहाँ पर, कभी मैच है तो मैच लग जाता है, कभी चीजें नहीं, आपको लगभग सारे कुजिन्स मिल जाएंगे। तो ये है चूल्हे वाले का। और जो इसकी रेटिंग होनी चाहिए ना, बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, जो प्रिपरेशन है बिल्कुल नहीं है। तो इससे पहले मैंने मटकी पनीर कलेजी नहीं सुना था, तो ये बिल्कुल नई रेसिपी थी और ये लोग सर्व कर रहे हैं। तो जो इसकी रेटिंग होगी ना, जो मैंने खा करके देखा है, इसकी रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, है ना, इससे 1% कम नहीं। और इस पोर्शन का जो मैंने आपको बताया था जो इसमें सर्व होता है, इसका जो प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओवरऑल झांसी में हो, यूपी में हो, तो चूल्हा वाला एक बार जरूर आना। और ये जो जायके ना इनके नए नए, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, सबके लिए यहाँ पे चीजें हैं। अगर आप इससे पहले की मेरी वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें मैंने इनका नॉनवेज कवर किया था, तो वो आपको झांसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। बाकी ये तो चीज एक नंबर है यार, अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत सही, आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो आई थिंक ये था चूल्हे वाला और नई डिश, आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नई जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।